हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्य आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ग्राम सेवक, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवार एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 61 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी इसमें 62 नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली 61 क्विज अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान जीके क्विज के नाम से, तो आप वहां जाके दोस्तों सारे के सारे प्रश्न हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, सुमेलित करें, एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष, यानी कि कौन से समाचार पत्र की स्थापना दोस्तों कब हुई थी ये अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान समाचार पत्र, तो दोस्तों राजस्थान समाचार पत्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राजस्थान समाचार पत्र है ये 1889, ठीक है 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना दोस्तों 1920 में हुई थी, और नवीन राजस्थान समाचार पत्र है इसकी स्थापना दोस्तों 1921 में हुई थी, और जो नवज्योति समाचार पत्र है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, देखिए राजस्थान केसरी 1920, नवीन राजस्थान 1921, और नवज्योति समाचार पत्र है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी सी डी ए, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको सन है वो यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है, और दोस्तों आपको ऐसे लगेगा कि मेरे बहुत प्रश्न हैं वो कम सही हो रहे हैं, तो दोस्तों आप ऐसे समझ के और छोड़ना मत, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न देखना क्योंकि आपने ऐसे बहुत कम प्रश्न पढ़े हैं। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है। पंछीड़ा नामक लोक गीत है ये दोस्तों कौन से स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये पंछीड़ा गीत है ये लिखा गया था। ठीक है, याद रखना इसमें, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नाना भाई खांट व कालीबाई जून 1947 में अध्यापक श्री सेंगा भाई को बचाने की खातिर शहीद हुए। इस कांड, यानी कि यह कांड है ये किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये कांड है ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है रास्तापाल कांड। किस नाम से जाना जाता है, रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए दोस्तों, बात है 19 जून 1947 को अध्यापक नाना भाई व भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। डूंगरपुर में गेप सागर तालाब के पास में इन दोनों की मूर्ति भी लगी हुई है। देखिए बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है, एवं अन्य अध्यापक यानी कि सेंगा भाई यानी कि नाना भाई के जो भाई थे वो घायल हो गए थे इसमें, ठीक है, इस रास्तापाल कांड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 1903 ईस्वी में बिजोलिया के ठिकानेदार किशन सिंह ने किसानों पर कौन सा नया कर लगाया था। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन है ये शुरू क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग कर हैं वो लगा दिए गए थे, लेकिन दोस्तों काफ़ी समय बाद में 35 कर तो इसमें क्या कर दिए गए थे, माफ़ कर दिए गए थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए 1903 में बिजोलिया के ठिकानेदार थे किशन सिंह, उन्होंने दोस्तों चौंरी कर लगा दिया था। क्या कर लगा दिया था, चौंरी कर, यानी कि पुत्री के विवाह पर दोस्तों ठिकानेदार को 1 से 5 रुपये तक देने पड़ते थे, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था। सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था, तो ये था दोस्तों जयपुर रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था सीकर। ठीक है, नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में चला था। ठीक है, और जो माणिक्यलाल वर्मा ने है
इस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों 1922 में लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक जागृति का संगठित प्रयास करने का श्रेय किसको जाता है? जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक जागृति का संगठित प्रयास करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये जाता है दोस्तों किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय सिंह पथिक को जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको कमेंट में देना है, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे देखिए, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना है वो दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हरिजन आश्रम है इसकी स्थापना दोस्तों बाबा लक्ष्मण दास ने की थी, और सेवा संघ की स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। यहाँ पे दोस्तों जो खांडलाई आश्रम है इसकी स्थापना किसने की थी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आज का आपका यही प्रश्न है कि आप कमेंट में बताओगे कि जो खांडलाई आश्रम है इसकी स्थापना किसने की थी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, डूंगरपुर में 1944 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है ये 1 अगस्त 1944 को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दोस्तों भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और दोस्तों गौरी शंकर उपाध्याय, ठीक है, इन तीनों के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो मैन योगदान है वो दोस्तों भोगीलाल पांड्या को जाता है, यानी कि जिनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो भोगीलाल पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको नाम बताए थे, हरदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय, ये इनके सहयोगी थे, ठीक है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। अगर भोगीलाल पांड्या नहीं आता तो आपको हरदेव जोशी याद रखना है, और दोनों ही नहीं आए तो गौरी शंकर उपाध्याय करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 690 नंबर प्रश्न है, बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? तो दोस्तों किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और इनके सहयोगी थे मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार, ठीक है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने दोस्तों बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र निकाला था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है? ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर प्रजा व ठाकुर पंचम सिंह का संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 692 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सूची फर्स्ट में संस्था है और सूची सेकंड में संस्थापक है। अपने को दोस्तों बताना है कि किसकी स्थापना है वो किसने की थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। तो दोस्तों मारवाड़ राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आनंद राज सुराणा और जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बी नंबर का देखिए दोस्तों, इसमें राजपूताना देसी राज्य, ठीक है, राजपूताना देसी राज्य की जो स्थापना है वो दोस्तों विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी 1928 में। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना है वो दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी 1925 में, ठीक है। आगे देखिए, अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा की गई थी, और जमींदार बोर्ड की स्थापना है वो दोस्तों गंगा सिंह के द्वारा की गई थी, और नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों
किसके द्वारा की गई थी बताइए दोस्तों जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों देखिए लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना, और इसके प्रथम चांसलर बने थे गंगा सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6543 2 1, 6543 2 1 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6543 2 1। नेक्स्ट है, आगे देखिए किस किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया था, तो कौन से किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया था, तो वो है बरड़ किसान आंदोलन जो बूंदी में हुआ था उसमें महिलाओं के साथ में दोस्तों दुर्व्यवहार किया गया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ रियासत के किसानों पर सर्वाधिक कितने प्रकार के कर लगाए गए थे, तो दोस्तों कितने प्रकार के कर लगाए गए थे, तो 136 प्रकार के कर लगाए गए थे दोस्तों मारवाड़ रियासत के किसानों पर, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 695 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, तो दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक है वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट, इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है देखिए भंवरलाल सर्राफ के द्वारा ये स्थापना की गई थी, कब, तो दोस्तों सबको पता है दोस्तों कब की गई थी, तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर 1934 में। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए सद्विद्या प्रचारिणी सभा ने बीकानेर राज्य में कौन से नाटक मंचित किए, सद्विद्या प्रचारिणी सभा ने बीकानेर राज्य में कौन से नाटक मंचित किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए एक तो धर्म विजय और एक सत्य विजय, ये दो नाटक है ये मंचित किए थे, तो इसका राइट आंसर कूटभाषा में क्या हो जाएगा वो है 1 और 2, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माहेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है, माहेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर से, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों डाबी किसान सभा कब आयोजित की गई थी, तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए जो डाबी किसान सभा है, ठीक है, ये कब आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कब आयोजित की गई थी सबको पता होना चाहिए दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों डाबी जो सभा है किसानों की जो सभा थी वो आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो 2 अप्रैल 1923। देखिए ये इस सभा पर पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग करवा दी थी, और इसमें नानक जी भील हैं, नानक जी भील जो झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किसका संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से नहीं है, तो दोस्तों किसका संबंध है वो मारवाड़ किसान आंदोलन से का संबंध नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रामसुख मुरारीलाल मीठालाल और हरिराम, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मुरारीलाल का जो संबंध है वो मारवाड़ किसान आंदोलन से नहीं रहा, रामसुख का भी रहा है, मीठालाल का भी रहा है और हरिराम का भी रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो है बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो थे दोस्तों चौधरी हनुमान सिंह, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो महिलाओं का जो नेतृत्व है वो दोस्तों नारायणी देवी व स्नेहलता वर्मा के द्वारा
ये नेतृत्व किया गया था महिलाओं का बिजोलिया किसान आंदोलन में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक चला था? तो दोस्तों 1897 से 1941 तक यह जो किसान आंदोलन है ये चला था, सर्वाधिक समय तक 44 वर्षों तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित इनमें से कौन से संस्थापक सदस्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, देखिए इनके जो संस्थापक थे वो दोस्तों जुगल किशोर त्रिवेदी थे, ठीक है। मास्टर आतिएंद्र भी थे, ठीक है, और दोस्तों गोपीलाल यादव भी थे, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मास्टर आतिएंद्र भी थे, किशनलाल जोशी भी थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी भी थे, गोपीलाल यादव भी थे, रमेश स्वामी, ये दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल से इनका संबंध नहीं था, ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें 705 नंबर प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान सेवा संघ ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान सेवा संघ ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? तो ये किया था दोस्तों बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। आगे देखिए दोस्तों इसमें, मारवाड़ राजनीतिक जनजागृति का जनक किसे माना जाता है? मारवाड़ राजनीतिक जनजागृति का जनक है वो दोस्तों किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसे? तो ये जनारायण व्यास को माना जाता है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह शासक बना, जिसके समय बिजोलिया के प्रशासक पद पर महाराणा ने किसकी नियुक्ति की थी? तो प्रशासक के पद पर महाराणा ने किसकी नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमर सिंह राणावत की नियुक्ति की थी प्रशासक के पद पर, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों 1897 में प्रारंभ हुआ था, 1941 में समाप्त हुआ था, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन 1931 में किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन 1931 में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ठाकुर देशराज के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? तो राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? तो वो था दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल, ये दोस्तों राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मांगीलाल भव्य ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान सेवक मंडल नामक आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजस्थान सेवक मंडल नामक आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो शोभाराम गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा का संबंध किस राज्य से है? ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा का संबंध है वो किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों भरतपुर राज्य से, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया? सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 5 जून 1937 को, 5 जून 1937 को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? तो यहाँ पे देखिए, जो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था, कौन नहीं था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है गोकुलाल असावा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी? तो ये हो गई थी दोस्तों शाहपुरा में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा राज्य में जनजागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? कोटा राज्य में जनजागृति का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों नेनुराम शर्मा को, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1928 में स्थापित भरतपुर राज्य संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों किसे?
तो गोपीलाल यादव को ये बनाया गया था अध्यक्ष भरतपुर राज्य संघ का। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन 20 से 21 मार्च 1941 को किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों स्वामी आतिन्द्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में बीकानेर रियासत की ओर से किसने भाग लिया था? भारतीय संविधान में बीकानेर रियासत की ओर से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों सरदार के एम पन्नीकर ने भाग लिया था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झालावाड़ के राजराणा राजेंद्र सिंह ने किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन में एक दशक के रूप में भाग लिया? तो दोस्तों कौन से वर्ष में लिया? तो ये लिया दोस्तों 1930 में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो राजस्थान जीके की क्विज थी, 62 नंबर की क्विज मैंने आपको इसमें करवा दी है। और अध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।